लेट्स लुक एट दिक्स बेसिक स्टेप ऑफ डवेलपिंग एग्रीगेट प्लान इसके अंदर एक तो हमारा जब एक टाइम हराइजन कंप्लीट होता है जिसका हमने प्लान बनाया था देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टाइम हराइजन और उसका पूरा हमने डिसाइड करना होता है कि ये क्या टाइम हराइजन होगा और क्या पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होगी दैन वी हैव टू टेक पार्ट इन the forecasting process. Uh, usually वो uh, कोई और कर रहा होता है firm ने किसी और की duty लगाई होती है but you, operations manager should be involved in forecasting hmm. और उसके साथ उसको uh, forecasting के अंदर help करनी चाहिए uh, demand planning process marketing वाले हैं उन्होंने demand manage करनी है तो वो कैसे इसको कर रहे हैं किस मंथ के अंदर वो प्रोमोशन कर कर इसकी डिमांड इंक्रीज करने करेंगे एंड सो ऑन वो उसका सारा उसके अंदर भी इन्वॉलमेंट होनी चाहिए सेल्स uh, और ऑपरेशन प्लान फॉर ईच फैमिली जो है उसको आपने अपडेट uh, uh, करना है अकॉर्डिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन न्यू फॉर आप ने जनवरी में थे जनवरी से अब आप फेबररी में आ गए हैं तो आपने देखना है कि जी फेबर के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आई हैं और उसके मुताबिक आपने अपना एग्रीगेट प्लान को अपडेट करना है कि नहीं करना तो ये आप जैसे जैसे रोल थ्रू करेंगे प्लानिंग होराइजन तो आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं ये नहीं है कि आपने एक बार टाइम होराइजन पूरा बारह महीने का आपने प्लान डेवलप कर लिया तो अब यही रहेगा नहीं उसके अंदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड आप उसको अपडेट करते रहेंगे मीटिंग स्टेक होल्डर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ होनी चाहिए और उसके अंदर कंसेंसेस बिल्ट होना चाहिए सब एग्री करें कि जी हाँ इसको हमने सप्लाई uh, और डिमांड को किस तरह बैलेंस करना है शुड वी गो फॉर इन्वेंट्री एज लीवर और कैपेसिटी एज लीवर और यूटिलाईजेशन एज लीवर किस चीज को हम करें या इसको मिक्स करके आगे लेकर चलें तो वो भी इम्पोर्टेंट है फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स की uh, जो uh, ये जो मीटिंग्स में आप uh, रिकमेंडेशंस आएंगी वो फिर उसकी एग्जेक्टिव uh, मीटिंग के अंदर उसकी ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह होनी चाहिए और फिर ये जो प्लान uh, है अपडेटेड प्लान इट शुड रिफ्लेक्ट द आउटकम ऑफ द मीटिंग जो मीटिंग है उसका बेसिकली रिफ्लेक्ट uh, होना चाहिए uh, जो आउटकम इसके बारे में uh, निकलता है uh, इसके अंदर अगर हम लेवल लेवल स्ट्रेटजी को कंसिडर करें तो लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हम वर्कफोर्स जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं उसके अंदर वर्कफोर्स के को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता उसको हम कांस्टेंट रखते हैं जो डेली प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है एक ही प्रोडक्शन जैसे कि हमने पिछले उसमें किया था 50 यूनिट्स पर डे तो हर रोज़ 50 यूनिट प्रोड्यूस होंगे और उसके हिसाब से आपने वर्कर्स रखे होते हैं इन्वेंट्री को यूज़ किया जाता है इसी तरह आ, दूसरे तरीके से लेवल वर्क फोर्स रखी है तो आइडल टाइम ओवर टाइम को यूज़ भी कर सकते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको हैंडल करते हैं यूटिलाइजेशन uh, अब यह भी हो सकता है कि हम इन्वेंट्री बिल्ड ही ना करें हम कहेंगे जी जो हमने डिमांड uh, मीट करनी है वो ओवर टाइम अंडर टाइम के ज़रिए हमने करनी है और वो, या वेकेशन प्लानिंग कर लेते हैं कि सीज़न बहुत डाउन uh, आ रहा है तो उसके अंदर वर्कर्स को आप ज़्यादा को वेकेशन पर भेज देते हैं सो uh, दैट so वो अपना जो वेकेशन का उनका टाइम है वो यूटिलाइज कर लें लो डिमांड पीरियड में एंड सो ऑन तो उसको डिफरेंट वेज उसको हैंडल किया जा सकता है uh, जो वर्क वर्कफोर्स है वो डिफरेंट स्टेजेस uh, के ऊपर आप उसको अकॉर्डिंगली साइज उसका कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टेबल uh, अगर प्रोडक्शन हो जैसे कि के इस केस में होगी कि एक ही लेवल प्रोडक्शन थ्रू आउट द टाइम होराइजन हो रहा है डेली प्रोडक्शन सेम हो रही है तो उससे आपकी कम, जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है uh, अगर आप uh, वो जो प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट करें uh, तो उसके अंदर आपकी क्वालिटी अफेक्ट होगी दैट इज़ वाई जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं यूजली दे वॉन्ट के जी प्लान एक बार डेवलप हो गया है वो स्टेबल रहे, उसको चेंज ना किया जाए क्योंकि उनको ये नज़र आता है कि उसके अंदर क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है